वो रहा एक शूटिंग स्टार, मैं विश करता हूँ कि मुझे मुझे क्या वो भी चला गया। तुम इतनी देर से यहाँ बैठकर क्या बोल रहे हो नोबिता? एक शूटिंग स्टार को देख रहा था। कहते हैं कि अगर हम शूटिंग स्टार को देखकर विश करें तो वो विश पूरी हो जाती है, लेकिन ये स्टार तो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं कह सकूं कि मुझे एक नया वीडियो गेम चाहिए, वो गायब होते हैं डोरेमोन। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं सोच रहा था कि तुम जैसा लड़का एक स्टार से कैसे विश कर सकता है, वो भी ऐसी चीज के लिए। बाकी सबके पास वीडियो गेम है और वो सब लोग मिलकर खेलते हैं। मुझे अपना वीडियो गेम कोई खेलने नहीं देता और मॉम भी मुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाती। एक स्टार से विश करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। जरा एक मिनट रुको, मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं मदद करूँगा। क्या सच में? हाँ, पर पहले मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ सोचा नहीं? अच्छा ठीक है, तुम रहने ही दो, अब मैं ही कुछ सोचता हूँ। आइडिया, तुम एक शूटिंग स्टार को अपने पास रख सकते हो। शूटिंग स्टार क्या होता है? हाँ। अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो छोटे से बेनाम स्टार्स जो स्पेस में होते हैं, वो धरती की तरफ ग्रेविटी की वजह से आते हैं। वो बहुत तेजी से आते हैं, तो जब वो एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन उनको आग के गोलों में बदल देती है और तभी वो शूटिंग स्टार्स बन जाते हैं। ज्यादातर स्टार्स एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और जो धरती पर गिरते हैं उन्हें मीटियोर्स कहते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, उन मीटियोर्स में से किसी एक को पकड़ना है, समझ गए? पर उन्हें पकड़ूं कैसे? शूटिंग स्टार नेविगेटिंग अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला से तो एंटीना निकल रहा है। की तरह ही काम करता है जो छोटे छोटे स्टार्स को अपनी तरफ खींचता है। चलो छत पर चलकर इसे ट्राई करते हैं। पहले एक स्टार को ढूंढने के लिए हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मुझे मिल गया। हाँ? अब नेविगेशन बटन को दबाना है। अब हमें तब तक इंतजार करना है जब तक कि एक स्टार इसके अंदर ना आ जाए। क्या ये सच में काम कर रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब वो इस तरफ हो गया है। तुम सच कह रहे हो? से विश मांगो। क्या हो गया? लगता है वो जल गया क्योंकि वो बहुत छोटा था। फिर ट्राई करते हैं। तुम जरा रुको, इस बार मैं ट्राई करूंगा, ठीक है? देखना मैं बहुत बड़ा स्टार पकड़ूंगा। देखो मुझे मिल गया। नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। कैंसिल बटन दबाओ जल्दी। लेकिन क्यों? बाद में समझाऊंगा, जल्दी करो। जल्दी करो नोबिता, जल्दी। शुक्र। सुनो, तुम्हें ध्यान रखना होगा, समझे? तुम्हें पता है डायनासोर क्यों खत्म हो गए? क्योंकि बहुत साल पहले एक बड़ा सा मीटियोर धरती से टकराया था। क्या? इसीलिए डायनासोर खत्म हो गए? सच कह रहे हो? हाँ, कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से एक बड़ा मीटियोर धरती से टकराया था जिससे बड़ी तबाही हुई थी और डायनासोर भी गायब हो गए थे। ये तो बहुत डरावनी बात है। इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा, समझे? मैं समझ गया। यहाँ बहुत ठंड है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। बाय। ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा स्टार पकड़ना है। मैं अपने लिए बिल्कुल एक परफेक्ट स्टार लगता है मुझे कुछ मिला। अरे वाह! डोरेमोन, डोरेमोन, मैंने एक स्टार पकड़ लिया, देखो। हाँ अच्छा है, अब तुम आराम से विश कर सकते हो। उसने तो इसे एक बार देखा भी नहीं। ये स्टार कितना प्यारा है, काश कि मैं इसे शिजुका को दिखा पाता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये यूनिवर्स में से कहीं दूर से आया है। यूनिवर्स से आए हुए वीडियो गेम दिलाओ। लेकिन डोरेमोन वो स्टार बोल रहा है, मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या कहा? प्लीज इसे देखो, जल्दी आओ डोरेमोन, इधर आओ। हाँ, देखो इस स्टार ने अभी कुछ बोला। ये तो SOS कैप्सूल है नोबिता।
वो क्या होता है? जरा सोचो, अगर तुम्हारा शिप समुद्र में डूब जाए और फिर तुम पानी में गिर जाओ, तुम लकी हो कि तुम एक सुनसान से आइलैंड में पहुंच गए, पर तुम्हें समुद्र में छोड़ दोगे ये सोचकर कि कोई ना कोई उसे जरूर पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम्हारा रॉकेट किसी सुनसान से प्लैनेट पर क्रैश हो गया और तुम टूटे हुए रेडियो की वजह से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम इन कैप्सूल्स को आसपास बिखेर सकते हो। ये कैप्सूल्स अपने आप ही यूनिवर्स में यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे जब तक कि कोई इन्हें ढूंढ ना ले। तो अब तुम मेरी बात समझ गए नोबिता? इसका मतलब इसे जिसने भी भेजा वो खतरे में है, सही कहा ना? शायद उसे किसी का इंतजार है नोबिता। डोरेमोन, फिर तो हमें फौरन जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम शूटिंग स्टार नहीं पकड़ना चाहते? बोलो, वो वीडियो गेम से ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से चलकर उसे बचाएं। स्पेस रेस्क्यू शिप, अंदर चलो। अब हम इस SOS कैप्सूल को डिटेक्टर के अंदर डालते हैं। अब हम टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। लगता है वो क्रैश हो गया। ऐसा नहीं लगता, ये ठीक हो सकता है। हाय, जरा इधर तो देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मुझे बचाने आए हो? हाँ, तुमने सही कहा, वो तुम ही थे ना जिसने SOS कैप्सूल भेजा था। अच्छा है कि तुम ठीक हो। थैंक यू वेरी मच, मैं तो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था। चलो तुम्हारे प्लैनेट को कांटेक्ट करें और कहें कि तुम्हारे लिए रॉकेट भेजें। तुम्हारे प्लैनेट का नाम क्या है? रेड। ठीक है, मैं उन्हें कांटेक्ट करता हूँ। एक बात बताओ दोस्त, तुम यहाँ कितने दिनों से फंसे हुए हो? 3 महीने से। क्या कहा, 3 महीने? तुमने 3 महीने कैसे बिताए? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन था कोई ना कोई मुझे बचाने जरूर आएगा। वो मुझे लेने आ ही गए आखिरकार। हाँ, मैंने तुम्हारे घर जाने का इंतजाम कर दिया है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? थैंक यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके बाय, गुड बाय। मैं ये गेम खेलता था जब मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कोई इस प्लैनेट से बचाने आएगा, तो ये गेम मैं तुम्हें देता हूँ। सच में? थैंक यू वेरी मच। क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा, आखिरकार शूटिंग स्टार ने मेरी विश पूरी कर दी, सही कहा ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए नोबिता। देखो वो कैसे लड़ रहा है, और वो भी एक एलियन से। हाँ? पता है, ये एक 3-डाइमेंशनल रोल प्ले इलेक्ट्रॉनिक गेम है। ये बताओ नोबिता को ये गेम मिली कैसे? हाँ बताओ डोरेमोन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो हुआ ये कि हम लोग वहाँ गए और मुझे तो बहुत मजा आया। तुम क्या बात कर रहे हो? हम डोरेमोन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें कैप्सूल कैचिंग अम्ब्रेला दे दे। हाँ ये सही है, प्लीज डोरेमोन हमारे लिए कुछ करो ना। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि SOS कैप्सूल बहुत कम ही मिलता है। अब तुम्हें कुछ करो। क्या ये काम करेगा? सुनियो, कई बार लियो की तरफ से मिट्योर शार्ट्स होते हैं, अगर हम वो बहुत सारे पकड़ ले तो हमें कैप्सूल जरूर मिलेंगे जियान, समझ गए तुम? हाँ मैं समझ गया, ये बहुत मजेदार होगा। सुनियो, मैं सोच रहा था कि उन्हें कैप्सूल मिला भी या नहीं। हाँ तुमने सही कहा। कोई बचाओ हमें, प्लीज कोई आकर बचा लो, प्लीज उन्हें कोई रोको, कोई हमारी मदद करो, बहुत हो गई ये शूटिंग स्टार, प्लीज हमें बचा लो, इनसे बचाओ, कोई बचाओ। आज का दिन कितना अच्छा है ना? तुमने सही कहा, मेरा तो पिकनिक पर जाने का मन कर रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि मिडोरी के चेरी ब्लॉसम सचमुच बहुत सुंदर है। हाँ, चेरी ब्लॉसम इस समय तो वो पूरी तरह खिल गए होंगे।
तो क्यों ना हम उन्हें जाकर देखें? हाँ? क्यों? तुम क्या कहती हो? अच्छा हाँ चलो चलते हैं। ठीक है ये हुई ना बात। मैं जल्दी से घर जाकर अपना बैग रख कर आता हूँ। ठीक है? ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे मैं शिजुका के साथ घूमने जाऊंगा। हम बेसबॉल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके तुम भी ग्राउंड पर आ जाना। वो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे काम है। क्या कहा तुमने? मतलब तुम वहाँ पर नहीं आओगे? वो मैं क्या करूँ, मुझे मैंने तुमसे कहा ना मुझे जरूरी काम है। भाग जाओ नोबिता, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हे नोबिता कहीं तुम मुझे इग्नोर करके तो नहीं भाग रहे हो? सुनो कहा ना मैं नहीं आ सकता, मेरा पीछा छोड़ो। क्या हुआ नोबिता? ये बहुत तेज दौड़ने लगा है, तुम्हें बहुत पछताना पड़ लो। चलो क्या मुसीबत है? आखिर बात क्या है नोबिता बोलो। ओ डोरेमोन तुम हो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम्हें शिजुका के साथ फ्लावर्स देखने जरूर जाना चाहिए नोबिता, क्यों है ना? हाँ लेकिन अगर मैं बाहर गया तो जियान और सुनियो मुझे पकड़ लेंगे, तुम्हें तो पता है। तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, यही कहना चाहते हो ना? हाँ यही कहना चाहता हूँ, काश कोई रास्ता होता। क्या तुम मुझे अपना एनीवे डोर दे सकते हो? हाँ? हाँ सही कहा, इस सिचुएशन। थैंक यू बाय बाय। ये खोल क्यों नहीं रहा? मेरे ख्याल से ये लॉक है नोबिता। जरा एक मिनट रुको, मैं अभी देखता हूँ मैंने इसकी चाबियाँ कहाँ रख दी हैं। वैसे तो मैंने यही कहीं रखी थी पर मुझे मिल नहीं रही है। वेट कर रही है मेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो? सुनो डोरेमोन क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है? हाँ बैम्बू कॉप्टर तो मेरे पास है, ये लो। हाँ बहुत अच्छा हुआ ये मिल गया, बाय बाय। लेकिन इसकी बैटरी खत्म है। क्या? मेरी बात सुनो डोरेमोन, जो ढंग से काम करता हो। हाँ इतने नाराज मत हो नोबिता। हाँ ये कैसा रहेगा बोलो? एनीवे बलून बटन दबाने से इसमें हवा भर जाती है। और इसे पकड़कर उड़ना होगा क्या? हाँ जहाँ जा रहे हो वो लिखो। शिजुका का घर। अब बस प्लग को खींचना है और फिर देखना कमाल। अरे रुको डोरेमोन, जा रहा तो मुझे है, सुनो यहाँ वापस आओ तुम। अरे जरा रुको। कुक बुक ली थी, क्या तुम इसे जाकर वापस कर दोगे? मेरी बहुत मदद हो जाएगी बेटा, प्लीज मेरा ये काम कर दो। क्या मॉम अभी मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज मैं बाद में करूँगा, ठीक है ना? तुम किस काम में बिजी हो नोबिता? वो बात ये है कि मुझे बहुत काम है। चुपचाप मेरा ये काम करो, समझ गए? ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो आखिर मैं शिजुका के घर पहुँच ही गया। शिजुका? हाँ? क्या नोबिता तुम्हारे साथ नहीं आया? हाँ? अरे हाँ मेरे बदले यहाँ नोबिता को होना चाहिए था। नोबिता जल्द ही यहाँ होगा शिजुका, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये डोरेमोन को क्या हो गया? मुझे ये काम जल्दी खत्म करना होगा, शिजुका इंतजार कर रही होगी। ओह नो! क्या तुम्हें पता है जियान, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बैट है और ये सबसे अच्छी कंपनी का है, समझे? अच्छी बात है, जब नोबिता मुझे मिलेगा तो देखना मैं उसे इसी बैट से मारूंगा। ये तो गड़बड़ है। अरे नहीं अगर मैं यहाँ से गया तो जियान नहीं छोड़ेगा, लेकिन दूसरा रास्ता तो बहुत ज्यादा लंबा है। नोबिता माफ करना, चलो जल्दी से शिजुका के घर चलो, जल्दी करो। अरे जरा एक मिनट रुको, पहले मुझे ये आंटी के घर पहुंचाना है, मॉम ने मुझे ये काम दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जियान और सुनियो उस रास्ते मेरा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम्हें इसे एनीवे बैलून से भेज देना चाहिए नोबिता। हाँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लाओ इस पैकेट को इस बैलून के साथ बांध दो। ओके फिर प्लग को खींचो। हाँ? क्या ये पैकेट आंटी के घर पहुँच जाएगा? चलो अब जल्दी से शिजुका के घर चले। नोबिता ने हमेशा की तरह आज भी देर कर दी। शिजुका मैं आ गया। हाँ?
सुजुका, अब हम चले। लेकिन अगर हम अब निकले तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, अगर हम बैलून से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सच में? क्या कहा? ये ठीक है ना? सिर्फ हम दोनों के होने से मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। जब नोबिता यहाँ नहीं है तो बॉल को पकड़ने वाला कोई नहीं है जियान। ये नोबिता न जाने कब आएगा। हाँ? सुनियो, ऊपर देखो, वो जा कहाँ रहे हैं? चलो उनका पीछा करें। ये कमाल का है। इन फूलों को देखो, ये तो बहुत सुंदर है और हम इन्हें आराम से देख सकते हैं। हमें टाइम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ गए? वो बहुत तेज जा रहे थे इसलिए अब मुझे नहीं दिख रहे हैं जियान। इतनी दूर उनके पीछे आने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मिडोरी जाना कैसा रहेगा जियान? पता है जियान, मैंने सुना है कि वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स फुल ब्लूम में है। मुझे लगता है कि वो लोग फ्लावर्स देखने वहीं गए हैं। समझा, चलो जल्दी चले। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अरे भला इसमें क्या होगा? अरे ये क्या? क्या तुम्हारे दरवाजे पर? ये नोबिता भी ना? आओ आओ आओ, मुझे पकड़ो। अरे नहीं, मैं क्या करूँ? अब तुम गए नोबिता, तुम नहीं बचोगे। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? तुम नहीं बच पाओगे, मैं कहता हूँ रुक जाओ। पता नहीं ये नोबिता कहाँ चला गया है। मुझे घर जल्दी जाना है डोरेमोन। रो यहाँ हम सब है तुम। अरे भागो। ओके अभी गाता हूँ। मैं हूँ जियान, मैं हूँ अल्बेला, पूरी दुनिया में मचाऊंगा धूम। ओ भाई साहब सॉरी, मुझे माफ करना। नोबिता तुम? ओ नो सुनियो, रुक जाओ। ये गलत है, वो मुझे थोड़ी देर और गाने दे सकते थे, लेकिन मैं तो यहाँ नोबिता को पकड़ने के लिए आया था। अब मैं क्या करूँ? हाँ चलो बच गया, अब कहाँ जाऊँ? वो नोबिता मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, नहीं बचेगा वो इस बार। ना जाने ये नोबिता हमें छोड़कर कहाँ चला गया। तुम्हें क्या लगता है, नोबिता कहीं घर तो नहीं चला गया? नहीं डोरेमोन। अरे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। वो देखो जियान और सुनियो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए तो नोबिता, वो दोनों यहाँ आ गए इसीलिए मुझे छुप कर रहना पड़ा, समझे तुम लोग। क्या अब हम घर चल सकते हैं? अंधेरा होने वाला है। उन दोनों से छुपने के चक्कर में मैं कुछ देख भी नहीं पाया। क्या बात है? सारे बैलून। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें घर पैदल ही जाना होगा। ओह नो, अंधेरा होने वाला है। चलो जल्दी करो, भागो। चलो। अरे डोरेमोन, शिज़ुका, मेरे लिए रुक जाओ। उस नोबिता की तो आज खैर नहीं, उसे घर आने दो। करो वरना आज हमें डांट पड़ेगी। मैं और तेज नहीं भाग सकती।